तो हम स्वागत करते हैं हमारे न्यूज चैनल अब तक पर एक बहुत ही टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मिस परी। सर मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे विचार जनता के सामने रखने का मौका दिया। मैम आप इंडिया की सभी लड़कियों के लिए एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशन है, तो क्या आप हमारी जनता को बताना चाहेंगी कि आप आईपीएस ऑफिसर कैसे बनी? एक्चुअली सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने भी वो सब सहा है जो इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन सहन करती आ रही है। मैम जैसे कि सर जैसे आशु, हाँ पापा, बेटा तेरी फीस भरे आप बेटे की 1.5 लाख काल दापना रेगुलर हो लिया पुलिस में। मैं भाई जाऊं पापा जब तक मेरी बाइक ना आऊगी। बेटा कोई बात नहीं, बाइक भी ले जाएंगे, ये बात हुई कान दे दिए। चल ठीक, हाँ अपना डायरी चालू कर ले पापा। हाँ बेटा, मुझे एडमिशन के लिए 3000 रुपए। एडमिशन के किसी से एडमिशन? बीएससी एडमिशन पापा। बढ़ाना क्या कर पड़े बीएससी करके, अपना दूसरा धोखा सीख ले जाके दे दो इसको भी कुछ पढ़ लेगी ये भी। तो ज्यादा ही पाई थी ना अपने इसकी, ठीक है इतना तो तुम आपको कैसे ना अपने लाल लगा जाए घर बसाओगी। पढ़ के भी तो कुछ नाम ही कमाना होगा। कितनी ना कर रही है, क्या नाम कमाएगी अगले घर जाके तुम आपको कैसे मारा था इसने। तू जा अंदर चल, सब मैं के जाके दिए दोनों सुनो। सर जन्नत की सैर करा दी वहां पे क्या चल रहा था वो, आज के बाद कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। चल अंदर क्या कर रही हो तुम? ये मरना है मुझे अपने काम से काम। क्यों मरना है? मरना है मर जाना, कम से कम ये तो बताओ कि हुआ क्या है। पागल सी, ये दुनिया जो है ना अच्छी भी है और बुरी भी है। अगर तुम मर गई तो घरवाले 2 दिन के लिए रोके सारे चुप हो जाएंगे। अगर कुछ करना है ना तो अपने माँ बाप के दिल में विश्वास पैदा करो, वो अपनी जगह पे सही है। वो लड़की की गलती ना होते हुए भी लड़की को डांट देते हैं क्योंकि उनको डर लगता है अपनी इज्जत का। अगर तुम्हें कुछ करना है तो उनके अंदर वो विश्वास पैदा करो कि वो तुम्हें जहाँ भी तुम जाओ आराम से भेज दे। और रही बात लड़कों की, जब कोई तुम्हें परेशान कर रहा है टॉर्चर कर रहा है तो तुम डरते क्यों हो? जितना तुम दबोगे ना उतना तुमको दबाया जाएगा। अगर तुम्हें कोई एक बंदा परेशान कर रहा है तो एक थप्पड़ खींच के लगा दो, आसपास के जितने देखने वाले होंगे सारे के सारे तुमसे डर के रहेंगे। अपनी कमजोरी मत दिखाओ किसी को, अपनी ताकत खुद ढूंढना पड़ेगा तुम लोगों को। डर डर के क्या होगा, मर जाना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। और अगर तेरे को अभी मरना है ना, अगर कुछ समझना है अपना ऐसा नाम कर दे कि और लड़कियों के माँ बाप भी उनको ये कहे कि जा उसके जैसे बन के आ, और अभी तेरे को मरना है तो मर सकता है। सर उस दिन मैं वो लड़का मेरी लाइफ में आया और मुझे एक नई जिंदगी देकर चला गया। तो ये थी हमारी परी मैम की कहानी, जो कि आजकल इंडिया की हर लड़की की कहानी कुछ ऐसी ही है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी सोच को बदलें, और सभी माँ बाप से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हमेशा लड़कियां ही गलत नहीं होती, तो उनको ना दबाएं। दोस्तों ये थी लड़कियों की कहानी, क्या ये सिर्फ इन लड़कियों की कहानी, ये हमारे पूरे देश की कहानी। अगर आप चाहते हैं हमारे देश में लड़कियां जो है ऊपर उठे एक अच्छा कल लेके आए, तो कीप शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।